हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद ई लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन एज यू ऑल नो मींस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इसमें क्या होता है, किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पोलन लैंड करते हैं तब उसको हम पॉलिनेशन बुलाते हैं, चाहे वो सेम एंथर से निकल कर आ रहे हों, चाहे वो पोलन किसी और फ्लावर के एंथर से निकल कर आ रहे हो। सो दिस लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, दिस इज एंथर, और इस एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का आना ही पॉलिनेशन है। नाउ दिस पॉलिनेशन ब्रॉडली इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। क्या बोलते हैं एक को, सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ मीन्स खुद। तो क्या हो रहा है इसमें, सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर फॉल कर रहा है क्या, पोलन। तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसे पिक्चर हमारे सामने आएगी, सेम फ्लावर, ठीक है, या तो उसमें सेम फ्लावर में हो रहा है या फिर different flowers of the same plant. Plant is same. Same plant and different flowers. ठीक है, this is self pollination. Cross pollination में क्या होगा, the transfer of pollen from anther of a flower on another plant. ठीक है, तो वहां से लेकर स्टिग्मा पे आएगा किसी प्लांट के। तो जैसे कि हम सेल्फ में क्या देख सकते हैं, दिस इज अ फ्लावर, एक फ्लावर है और उसमें ये चीज हो रही है सेम फ्लावर के अंतर से, तो दैट विल बी दिस केस, सेम फ्लावर। और अगर वो है कि एक ही प्लांट है, ये ऊपर लगे हुए हैं मेल फ्लावर्स, ओके, और उसमें नीचे हैं फीमेल फ्लावर्स, एंड द फीमेल फ्लावर्स आर हैविंग दोज पिस्टल्स, ठीक है, पिस्टल है ये। तो क्या होगा, अगर मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में आ रहे हैं स्टिग्मा पे, ठीक है, तो एक ही प्लांट, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स, तो दिस इज द केस ऑफ प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ओके, जैसे कुकर बिट्स होते हैं उसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का केस है ये बाइसेक्सुअल का था। लेकिन दिस सेल्फ पोलिनेशन, दिस टाइप वेयर द प्लांट इज सेम एंड पोलिनेशन इज अकरिंग बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, ये हो सकता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के साथ भी, जैसे कि अगर वो बाइसेक्सुअल है तब भी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बना देते हैं। द फ्लावर इज हैविंग स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंड इट इज ऑल्सो हैविंग द एंथर्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पर भी क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट्स यूज हो रहे हैं, कुछ इंसेक्ट्स ने इस फ्लावर को विजिट किया और फिर इस फ्लावर को विजिट किया, तो यहाँ से भी पोलन ट्रांसफर हो सकते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। तो ये केसेस दो हो जाते हैं हमारे पास इन सेल्फ पोलिनेशन, ठीक। अब जो सेल्फ पोलिनेशन है उसको हम फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ना, क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंट प्लांट्स आ जाएंगे, पोलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज क्रॉस पोलिनेशन। तो अब देखिए इसमें हमें अब तीन टर्म्स फिर से करनी है। सेल्फ पोलिनेशन जो मैंने आपको बताया सेम फ्लावर है उसको हम बुलाते हैं ऑटोगैमी। ऑटो का मीनिंग भी सेल्फ होता है, गैमी मीन्स मैरिज, ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमी इज मैरिज, ठीक है। तो ऑटोगैमी का मतलब भी, ऑटो का मतलब भी सेल्फ है यहाँ, तो ब्रॉडली आप ये ले सकते हैं, बट आगे इसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया है दो में। तो ऑटोगैमी में क्या केस आएगा, दिस वन सेम फ्लावर, ठीक है, पोलिनेशन एंथर टू स्टिग्मा
सेम फ्लावर. और यहाँ पर अगर सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर्स है तो हम उसको बुलाते हैं गाइटोनोगैमी, एज द वर्ड ऑटो आप सेल्फ समझ गए, सेल्फ खुद का ही. ठीक है, गाइटोनो जो वर्ड है इट मींस नेबर. तो ये यहां पर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो नेबर फ्लावर के साथ हो रहा है. गैमी मींस मैरिज. ठीक है, सो दिस इज हियर व्हाट इज हैपनिंग, अपने पड़ोस के फ्लावर के साथ यहां पॉलिनेशन हो रहा है. ठीक है, द फ्लावर कुड बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. ओके, और तो ये हुआ geitonogamy. And what is geitono? This is neighbor. Geiton means neighbor. तो neighbor marriage हो रही है ये. ठीक है, तो ये pollination हो रही है same plant but between two different flowers. अब अगर हम इसको genetically देखते हैं तो जो हमारी geitonogamy है ये अगर हम इसको देखें genetically it is autogamy, isn't it? Genetically it is autogamy. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, genetically ये एक ही plant पर लगे हुए हैं flowers, they are having the same parent और genetically ये, और इसमें और इस चीज में कोई फर्क नहीं है genetically देखें, क्योंकि they are having the same genes, they belong to the same parents. ठीक है, ये भी सेम प्लांट पे लगे हुए हैं, दो फ्लावर्स हैं, ये भी एक ही फ्लावर है एक प्लांट पे लगा हुआ है. जेनेटिकली देखेंगे, जीन्स देखेंगे, उनका जेनेटिक मेकअप देखेंगे, दैट इज सेम. तो वी से दैट दिस गाइटोनोगैमी इज ऑटोगैमी इफ वी सी जेनेटिकली. जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमी, बहुत बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं. ठीक है, लेकिन हम जब देखते हैं फंक्शनली, फंक्शनली क्या हो रहा है इसमें कि ये क्रॉस पॉलिनेशन की तरह इसमें क्या हो रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन जा रहे हैं. तो इसको हम बोलेंगे इफ वी से जेनेटिकली इट इज सेम एज ऑटोगैमी, बट इफ वी सी इट एज मींस इट इज ऑटोगैमी, या हम बोल सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन है ये. ठीक है, बट अगर हम इसको फंक्शनली देखते हैं तब ये देन इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज पॉलिनेशन इज अकरिंग बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स. ठीक है, दे बिलोंग टू सेम प्लांट, दैट्स व्हाई इट इज ऑटोगैमी जेनेटिकली. क्योंकि ये क्यों हुए, फंक्शनली क्यों हुआ, क्योंकि इनको कोई पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए. ठीक है, क्योंकि हम जो ये क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे इसे हम बुलाएंगे ज़ीनोगैमी. ठीक है, ज़ीनोगैमी जो होगा हमारा फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन और ज़ीनोगैमी, उसमें क्या चाहिए हमें, एक पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कोई ऐसा एजेंट जो कि पॉलिनेशन में हेल्प कर दे. तो वो पॉलिनेटिंग एजेंट होगा, तो वो पॉलिनेटिंग एजेंट सिंपली एयर हो सकती है. एयर ने उठाया यहाँ से पोलन और इस पे गिरा दिया. ठीक है, यहाँ से लिया यहाँ चल छोड़ दिया. वो एक इंसेक्ट हो सकता है, वो एक बर्ड हो सकता है, वो एक बैट हो सकता है, वो एक ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है. ठीक है, हु इज टचिंग द दिस फ्लावर एंड देन इज टचिंग दिस फ्लावर. ठीक है, तो वो कोई एनिमल भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है, वो वाटर भी हो सकता है. तो दैट डिपेंड्स कि कौन सा मीडियम इसमें हेल्प कर रहा है, कौन सा एजेंट हेल्प कर रहा है. तो फंक्शनली अगर हम देखते हैं तो गाइटोनोगैमी इज द क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, देन कम्स द क्रॉस पॉलिनेशन, द एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन विच इज फंक्शनली एज वेल एज जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन, उसको बुलाते हैं हम ज़ीनोगैमी. ज़ीनोगैमी जो है उसमें क्या होगा, उसमें पोलन एक प्लांट के फ्लावर से, एक प्लांट के एंथर से जाकर लैंड करेंगे दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर. हम इन्हीं प्लांट्स को ले लेते हैं. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर,
here is the anther. Anther se nikle pollen aur kisi agent ki help se, whether it's air or an insect, uski help se ye land kar gaye stigma ke upar. So this type of pollination where two different plants are involved is xenogamy. Xeno word ka matlab hai stranger, ajnabi. Okay, so this is stranger marriage, marriage with a stranger, xenogamy. Xenogamy ka ek naam aur hai, wo hai allogamy. It is also called allogamy. Aur allo ka matlab rehta hai other. Okay, allo word means other. Other. So pollination is occurring with another plant. Okay, so ye jo ho gaya hamara cross pollination, xenogamy. तो ज़ीनोगेमी में फंक्शनली और जेनेटिकली डिफरेंट ही हैं. दोनों प्लांट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, जेनेटिकली अलग है ना ये, और साथ में इसमें एक पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट भी है. तो क्या होगा जब इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन होगा एंड देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो प्लांट बनेगा वो इन दोनों का हाइब्रिड होगा. ठीक है, तो दिस इज ज़ीनोगेमी. तो अब हम देख लेते हैं, लेट्स गो बैक टू autogamy. किन फ्लावर्स में autogamy होगी? इसमें geitonogamy और xenogamy होगी. लेट्स सी दैट कौन से फ्लावर्स होंगे एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज पोलिनेशंस. सी, जो autogamy है जिसमें सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा इन्वॉल्व हैं, तो इसमें किसमें होगी ये? अब कुछ प्लांट्स हैं वो चाहते हैं कि ऑटोगैमी हो. ऑटोगैमी होने से क्या होगा, क्या क्या बेनिफिट्स हैं? पहला बेनिफिट, चलो इसके एडवांटेजेस ही देख लेते हैं पहले. ठीक है, इसमें हम एक साथ ले रहे हैं ऑटोगैमी. जब हम एडवांटेजेस देख रहे हैं तो हम geitonogamy के भी साथ में ही ले रहे हैं. ठीक है, इनका एडवांटेज क्या है? पहली बात, ये पेरेंटल कैरेक्टर्स को प्रिजर्व करके रखते हैं. दे प्रिजर्व और कंजर्व पेरेंटल कैरेक्टर्स. ठीक है, हमेशा जब भी क्रॉस पोलिनेशन होगा तो दो पेरेंट्स के, दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स के कैरेक्टर्स मिक्स हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन अगर सेल्फिंग होगी, सेल्फ पोलिनेशन होगा, उसी पेरेंट के हमेशा कैरेक्टर्स एज इट इज प्रिजर्व्ड रहेंगे. तो पेरेंटल कैरेक्टर्स को प्रिजर्व करेगा ये. देन इट एलिमिनेट्स नीड ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट. पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी तब क्या होगा, तो उस प्लांट को अपनी कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ऑन प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स. उसको कम पोलन ग्रेन्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है, तो लेस पोलन आर नीडेड. देन एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है कि ये प्योर लाइंस डेवलप करता है. प्योर लाइंस यानी कि प्योर प्लांट मींस होमोजाइगोसिटीज डेवलप करता है. ठीक है, वो क्या चीज है, आप लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ी है फिर भी आप देख लीजिए क्या होता है होमोजाइगोसिटी. प्लांट्स प्योर हो जाते हैं, प्लांट्स आर प्योर फॉर द कैरेक्टर्स. आपको मालूम है कि एक कैरेक्टर के लिए वहां पर दो फैक्टर्स है, दोनों फैक्टर्स अगर सेम है तो वो प्लांट प्योर है. ठीक है, जैसे कि हम थोड़ा सा जेनेटिक्स की तरफ जाके देख लेते हैं. हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी है. हम उसमें क्या देखते हैं कि दो फैक्टर्स हैं. सपोज आप लोग सबसे ज्यादा फेमिलियर रहते हैं हाइट के साथ. ठीक है, लेकिन हम यहाँ फ्लावर कलर ले लेते हैं. तो फ्लावर कलर इज व्हाट इज फ्लावर, सॉरी हम फ्लावर कलर ले लेते हैं, चलो वायलेट है या फिर व्हाइट है. वायलेट एंड व्हाइट, इसमें से हमने पढ़ा था कि वायलेट जो है वो डोमिनेंट कलर है. तो डोमिनेंट कलर जो था वो एक हम
कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो डोमिनेंट फैक्टर दिखाना चाहते हैं. तो अगर वो वायलेट है हैविंग बोथ फैक्टर्स सिमिलर तो उसको हम बोलेंगे प्योर प्लांट है. ठीक है, अगर उस प्लांट में दोनों फैक्टर्स अलग अलग हैं, एक हो गया हमारा जो कैपिटल वी है दैट इज द डोमिनेंट फैक्टर, यानी कि जिसको आप जीन समझ सकते हो सिंपली, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन. ठीक है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर दोनों है तो इसको हम बोलते हैं इम्प्योर प्लांट. ठीक है, और वाइट तो हमेशा प्योर ही होंगे, स्मॉल वी क्योंकि रिसेसिव है. ठीक है, इफ यू नो जेनेटिक्स यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. तो इम्प्योर जो है सेल्फ पोलिनेशन से वो नहीं, इम्प्योरिटी नहीं आती है, दे रिमेन प्योर, इनको प्योर लाइंस भी बुलाते हैं हम. होमोजाइगस कंडीशन आ जाती है. ठीक है, वो डेवलप हो जाते हैं, वो जो प्लांट्स होंगे दे विल बी लाइक दिस एंड दिस, दे विल नेवर बी लाइक हैविंग टू फैक्टर्स, एक डिससिमिलर फैक्टर्स उसमें नहीं आएंगे. देन और क्या करता है ये, अगर एक चीज और है जो हार्मफुल रिसेसिव, सपोज यहां पर कोई जीन है जो कि डोमिनेंट कंडीशन में हार्मलेस है लेकिन अगर वो रिसेसिव कंडीशन में आ जाए, ऐसे भी हार्मलेस है और अगर डोमिनेंट के साथ एक रिसेसिव है तब भी हार्मलेस है, तो लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि सेल्फिंग होगी, सेल्फ पोलिनेशन होते 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 क्या होगा, प्योर लाइंस बन जाएंगे सिमिलर फैक्टर्स वाले, होमोजाइगस बन जाएंगे प्लांट्स. तो होमोजाइगस है ये तो हार्मलेस है, तो अगर हेटरोजाइगस था वो, तो वो करते करते उसने क्या किया, इसको कोई ऐसा इंडिविजुअल बन जाएगा जिसमें सिर्फ दोनों रिसेसिव फैक्टर्स आएंगे. दोनों रिसेसिव फैक्टर्स अगर इकट्ठे होते हैं, सपोज ये ऐसी जीन है जो रिसेसिव फॉर्म में लीथल है, हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो क्या होगा, ये एक्सपोज हो जाएगी, ये हार्मफुल है इस केस में, दिस इज लीथल और हार्मफुल. लीथल का मतलब है कि वो डेथ ही कॉज कर देगी उस इंडिविजुअल की. सॉरी, दिस इज हार्मफुल, आई हैव टू राइट. ठीक है, तो ये हो गया, हार्मफुल है ये, तो ये अगर इकट्ठी होगी तो एक इंडिविजुअल में आ जाएगी, तो पता चल तो क्या होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि एक्सपोज हो जाएगी, एक्सपोज होके ऐसे प्लांट्स को निकाल दिया जाएगा, इनको यूज नहीं किया जाएगा ना आगे, फर्दर नहीं यूज होंगे ऐसे प्लांट्स जिनमें हार्मफुल जीन्स इकट्ठी हो रही हैं. तो क्या होगा, हार्मफुल, वी कैन से हार्मफुल रिसेसिव फैक्टर्स और एलील्स कैन बी एलिमिनेटेड. ओके, दे कैन बी एलिमिनेटेड. ये मेन जो है इसके एडवांटेजेस हैं सेल्फिंग के, सेल्फ पोलिनेशन के, या किसी भी सेल्फ रिप्रोडक्शन के. ठीक है, देन अब देखते हैं कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें ऑटोगेमी होगा, जिनमें 100% ऑटोगेमी होगा. ऐसे फ्लावर्स तो वो फ्लावर्स होने चाहिए जिनको कोई पोलिनेटिंग एजेंट ना टच कर पाए. ठीक है, ऐसे ही फ्लावर्स होंगे ना, अगर पोलिनेटिंग एजेंट उनके एंथर तक, पोलन तक पहुंच रहा है तो सेल्फिंग नहीं हो पाएगी, पोलिनेटिंग एजेंट तो पोलन को ले जाएगा उनसे बाहर. ठीक है, तो कोई पोलिनेटिंग एजेंट ना पहुंच पाए किसी फ्लावर में, ऐसे के लिए फ्लावर्स क्या करते हैं, वो खुलते ही नहीं. ठीक है, दे आर सम फ्लावर्स विच कीप देयर स्टिग्मा एंड एंथर्स इनसाइड कवर्ड बाय देयर पेटल्स, पेटल्स और सेपल्स से उन्होंने कवर कर लिया. ठीक है, तो ऐसे जो फ्लावर्स होंगे जो कभी नहीं खुलते उनको बोलते हैं हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं दे डू नॉट ओपन, दे रिमेन क्लोज्ड ऑलवेज, इनको हम बोल सकते हैं क्लोज्ड फ्लावर्स हैं. व्हाई दे आर क्लोज्ड फ्लावर्स, क्लिस्टो मीन्स, क्लिस्टो वर्ड जो है इसका मतलब है, क्लिस्टो मीन्स क्लोज्ड. ठीक है, ये पहले आना चाहिए, आई बार क्लिस्टोगैमस क्लोज्ड,
Gamus means, gamy means marriage, closed marriage. So what happens inside these flowers? They do not open. Open nahi honge, to koi pollinating agent, chahe wo air ho, chahe wo insect ho, unhe disturb nahi kar paayega. Means, this will ensure, it ensures self-pollination, selfing, pakki ho jati hai inme. 100% sure ho jati hai. ठीक है तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का होने से क्या होगा 100% पोलिनेशन होगा और वो भी सेल्फ पोलिनेशन होगा और उनको किसी पोलिनेटिंग एजेंट की कोई जरूरत नहीं है इफ दे डू नॉट रिक्वायर अ पोलिनेटिंग एजेंट देन दे नीड नॉट बी अट्रैक्टिव ऐसे फ्लावर्स तो तुम्हें फ्लावर जैसे लगेंगे ही नहीं दे डू नॉट इवन लुक लाइक फ्लावर्स बिकॉज तुम जिन फ्लावर्स को जानते हो दे शुड बी अट्रैक्टिव लेकिन ये फ्लावर्स अट्रैक्टिव नहीं होंगे ठीक है दे आर लाइक ऐसे क्लोज्ड से फ्लावर दिखाई देंगे ठीक है तो इनके अंदर ही सारा कुछ है हाँ जो हमारा पी फ्लावर है दैट इज ऑल्सो अ क्लिस्टोगैमस फ्लावर ठीक है पी भी क्लिस्टोगैमस है ठीक है And then we have Camelina, is ye hai, ek hai Viola, isko hum Pansy bulate hain, Pansy iska common name hai, Mali se puchne pe pata chal jayega, ek hai flower balsam, aur ek hai flower oxalis. ठीक है पी इज एक्सक्लूसिवली क्लिस्टोगैमस क्यों है इसका कोरोला कुछ इस तरह से है कि ये कवर कर लेता है स्टिग्मा स्टाइल को ये है इसका पिस्टिल कुछ इस तरह का है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी दिस इज ओवरी एंड इट इज कवर्ड विद द एंड्रोशियम इसको कवर कर लेता है एंड्रोशियम इसको कवर कर रहा है ठीक है एंड्रोशियम में एक स्टेमिन अलग है नाइन अलग रहते हैं इसके एंड दिस इज कवर्ड बाय पेटल्स पूरा का पूरा पेटल्स इसको कवर कर लेती हैं ठीक है एक पेटल इसमें कुछ अरेंजमेंट कोरोला का कुछ इस तरह से है देन ये तो है हमारा पी इज ऑल्सो क्लिस्टोगैमस लेकिन जो मैंने यहाँ चार एग्जाम्पल लिखे हैं ये कमेलिना वॉयला बालसम एंड ऑक्सैलिस दीज आर plants which are having two types of flowers in me cleistogamous bhi hoga aur cleistogamous yani closed flower aur saath mein inme normal flower jo normal open flowers hai jinko hum chasmogamous bula rahe hain chasmogamous open marriage this is open and cleistogamous closed marriage theek hai flowers band rahenge they will never open hi nahi honge to koi bhi chance usme cross pollination ka nahi hai chasmogamous kaise flowers hain unme cross pollination ho sakta hai agar ek normal flower hai which is open and it is exposing its anthers and it is also exposing its stigma तो ऐसे फ्लावर पे क्रॉस पोलिनेशन होने के चांसेस भी हैं ठीक है तो कैस्मोगैमस फ्लावर में कौन सी पोलिनेशन आएगी बोथ इट कुड अंडरगो बोथ ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी और गेटोनोगैमी तो लेकिन जो क्लिस्टोगैमस है इट विल इंश्योर सेल्फ पोलिनेशन और क्या फायदा है इसका कोई पोलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए नो पोलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड एजेंट रिक्वायर्ड और क्या है तीसरा सेल्फ पोलिनेशन होगी तो सीड्स भी जरूर बनेंगे इंश्योर्ड सीड सेट्स सीड्स इसमें जरूर सेट होंगे ठीक है पक्का अगर पोलिनेशन हो गया है तो पक्का इसमें फर्टिलाइजेशन भी होगा और फिर सीड्स भी बनेंगे ठीक है तो ये हो गया हमारा टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एंड क्लिस्टोगैमस 100% undergo self-pollination, that too autogamy. ठीक है तो ये हो गए हमारे तीन टाइप के what are the three types of pollination? ये हमने कर लिया इस लेक्चर में ठीक है
थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं. थैंक यू.